नवरात्रि के व्रत को सभी लोग बहुत ही उत्साह से करते हैं। किसी के यहाँ माता पूजन अष्टमी को होता है तो किसी के यहाँ नवमी को होता है। हमारे यहाँ माता पूजन अष्टमी को होता है तो माँ के भोग के लिए थाली तैयार करते हैं। माता के भोग के लिए हम काले चने, सूजी का हलवा और पूरियाँ तैयार करेंगे। भोग का सामान बनाने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं भोग बनाना। नमस्ते, मैं शोभा रघुवंशी मेरे चैनल हेल्दी इंडियन फूड में आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं काले चने। इनको 5 घंटे पहले यानी कि रात में मैंने पानी में भिगो दिया था, और ये देखिए अब हमारे चने अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब हम इन चनों को पानी में से इस छलनी में निकाल लेंगे। अब हम इनको एक बार और साफ पानी में अच्छी तरह से धुलेंगे। ये देखिए मैंने चनों को अच्छी तरह से धुल लिया है। अब हम एक कुकर लेंगे और उसमें अपने चने डालेंगे। अब हम अपने चनों में पानी डालेंगे। मैंने अपने चनों में 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच सेंधा नमक लिया है, आप चाहें तो टाटा सॉल्ट भी डाल सकते हैं। कुकर का ढक्कन लगाएंगे और चने हमारे उबलने के लिए रख देंगे। हम अपने चनों में मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने देंगे। चने बॉईल हो रहे हैं, जब तक हम माता के भोग की पूरियाँ, हमारे यहाँ इनको अठवाई बोला जाता है, उनका डो हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सिंपल गेहूं का आटा लिया है और 1/2 कटोरी गुनगुना दूध लिया है। आटे को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर सेंधा नमक लिया है और 1/4 चम्मच अजवाइन है, इसको क्रश करके डाल दूंगी। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम अपने आटे में ये गुनगुना दूध डालते हुए टाइट पूरी के जैसा डो तैयार करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे, हम अपने डो को दूध में ही तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। इसको अच्छी तरह से मसल लेते हैं और 10 मिनट के लिए हम इसको एक सूती कपड़ा गीला कर उसमें लपेट कर रख देंगे। हमारे चनों में 2 सीटी आ गई हैं। गैस बंद कर कुकर को नीचे उतार लिया है और अब हम इसका ये हैंडल हटा देते हैं। बस हमें इसका ढक्कन नहीं खोलना है, जब तक इसकी पूरी गैस निकल जाएगी तो अपने आप ही हमारे कुकर का ढक्कन खुल जाएगा, तभी हम अपने चने निकालेंगे। चलिए अब हम अपने चनों का मसाला तैयार करते हैं। चनों का मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कटोरी नींबू का रस ले लिया है। अब हम अपने मसाले नींबू के रस में ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक लिया है, इसको नींबू के रस में डाल दूंगी। 1 पिंच हींग है, इसको भी नींबू के रस में डाल देंगे। 1/4 चम्मच काला मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच कड़ी पत्ता पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच चना मसाला, 1 चम्मच भरकर सूखा धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरे को मैंने तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसको क्रश करके डाल देंगे। अब सारे मसालों को नींबू के रस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारे चना में डालने के लिए मसाले तैयार हो गए हैं। चलिए हमारे कुकर का ढक्कन भी खुल गया है, अब हम अपने चने छलनी में निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने चनों को छलनी में निकाल लिया है, और हमारे चनों में जो पानी बचा है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी को ठंडा करके अपने पौधों में डाल देंगे। अब मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। उसमें 1/2 चम्मच हम ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है, आप जो खाते हैं वह ले सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपने चने डाल देते हैं। चने हमारे सिक रहे हैं। अब इसी स्टेज में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अदरक कद्दूकस कर लिया है, इस अदरक को हम अपने चनों में डाल देंगे।
चने हमारे सिक्कर फूट रहे हैं, बहुत ही बढ़िया चने हमारे सिक्कर तैयार हो रहे हैं। सूखे काले चने बनाते समय हमें मसाले कभी भी पहले नहीं डालना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने चनों को अच्छी तरह सेकना चाहिए। जब हमारे चने सिक जाते हैं उसके बाद हम अपने सारे मसाले इसमें डालते हैं। इस स्टेज में हमें अपने चनों को ढककर भी नहीं पकाना है, क्योंकि हमारे चने तो पहले से ही बॉयल हैं। यदि अभी हम ढककर पकाएंगे तो ये बिल्कुल ही ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगे। चनों को सिकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसी स्टेज में मैंने ये जो नींबू के रस में मसाले मिक्स करे हैं इनको अपने चनों में मिला देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। मेरी कटोरी में थोड़ा बहुत मसाला है तो इसको भी मैं चने डालकर सारा पोंछ लेती हूँ और अपने चनों में मिक्स कर देती हूँ। अब अच्छी तरह हम अपने मसालों को चनों में मिक्स करेंगे। 3-4 मिनट तक हम अपने चनों को चलाते हुए सेकेंगे। चने हमारे सिक गए हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और अपने चनों में हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारे चने सिककर तैयार हुए हैं। इस तरह से यदि हम माता के भोग के लिए चने बनाएंगे तो माता हमारी कुल देवी बहुत ही खुश हो जाएंगी। बहुत ही बढ़िया खिले खिले हमारे चने, बहुत ही स्वादिष्ट चने हमारे बनकर तैयार हैं। तो आप भी इस तरह से चने अवश्य बनाइए। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी सूजी ली है, आधा कटोरी चीनी और आधा कटोरी देसी घी, 4-4 काजू बादाम और पिस्ता लिए हैं। सबसे पहले हम भारी तले की कढ़ाई गैस पर रख देंगे। कढ़ाई को गर्म होने देते हैं और अब हम उसमें अपना देसी घी डालेंगे। घी हमें अभी पूरा नहीं डालना है, अभी मैंने आधा घी डाला है, आधा घी अभी बचा लिया है। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट काजू बादाम पिस्ता या जो भी अपने पास है वो डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट हमारे सिक गए हैं, हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में अपनी सूजी डालते हैं। गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे और लगातार चलाते हुए हमें अपनी सूजी को भूनना है। आप सूजी की जगह मक्के का आटा ले सकते हैं और गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं। हमारी सूजी में से बढ़िया खुशबू आ रही है और हमारी सूजी ब्राउन हो गई है। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं। हम अपनी सूजी को कढ़ाई से निकाल लेंगे। हमने सूजी को गैस से निकाल लिया है कढ़ाई से। अब मैंने आधा कटोरी सूजी ली थी तो उसमें हम 4 गुना पानी, मतलब कि आधा कटोरी का 4 गुना 2 कटोरी हम पानी कढ़ाई में डालेंगे। गैस ऑन कर देंगे और पानी को गर्म होने देते हैं। पानी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें आधा कटोरी चीनी डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए इसकी चाशनी जैसी तैयार करेंगे। हमें इसकी ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। एक तार आने से पहले ही हमें अपनी चाशनी बंद कर देनी है। जितनी पतली चाशनी हम गुलाब जामुन की बनाते हैं, हमें अपने हलवे की चाशनी वैसी ही बनानी है। ये देखिए हमारी चाशनी बन गई है। अब हम इसमें अपनी सूजी डाल देते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और हम अपनी सूजी को चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम अपनी सूजी में ड्राई फ्रूट डाल देंगे। हम अपने हलवे को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, ठंडा होने के बाद यह अपने आप ही गाढ़ा हो जाता है। अब हम अपने हलवे में जो घी हमने बचाया था उस घी को डाल देंगे। घी को हलवे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम अपना गैस बंद कर देंगे। हलवा हमारा बनकर तैयार है। हलवे को प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार है। तो आप भी इस तरह से सूजी का हलवा अवश्य बनाइए और अपनी माता को भोग लगाइए। चलिए आटा भी हमारा गल गया है और अब हम अपने आटे से छोटी छोटी लोइयां तैयार करेंगे।
मैंने छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर ली हैं। कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। कढ़ाई में हम देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो तेल डाल सकते हैं। घी को मेल्ट होने देंगे। घी हमारा गर्म हो रहा है, जब तक हम एक एक कर पूरियाँ बेलेंगे। लोई में थोड़ा सा घी लेंगे और उसको पटे पर इस तरह से करेंगे। और अब हम अपनी छोटी छोटी लोइयों को अच्छी तरह से बेलकर इनसे पूरियाँ तैयार करेंगे। पूरी को हमें साइड से ही बेलना है, इस तरह उठा उठा कर बेलेंगे। बीच में ज़्यादा पतली नहीं करना है और साइड पे ज़्यादा मोटी नहीं करना है। बेलने के बाद हमारी सारी पूरी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से उठाएंगे हर बार और इस तरह से हम अपनी पूरी को बेलेंगे। ये हमारी पूरी बिलकर तैयार हो गई है। हमारी सारी पूरियां बिल करके तैयार हो गई हैं और इधर हमारा घी भी गर्म हो गया है। अब हम एक एक पूरी को अपने घी में डालेंगे और फ्राई करेंगे। पूरी के ऊपर इस तरह से हम घी चढ़ाएंगे। ये देखिए, पूरी हमारी फूल गई है। इसी तरह से इसको दोनों साइड से हम पलटकर सेक लेंगे। ये देखिए, कितनी बढ़िया फूली फूली क्रिस्पी हमारी पूरियां बन करके तैयार हैं। पूरियां, इस तरह की पूरियां बनाने के लिए हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम इनमें पानी नहीं डालेंगे आटा गूंथते समय, और हमने मोयन भी नहीं डाला है। हम सिर्फ अपनी पूरियों का आटा गुनगुने दूध के साथ ही तैयार करेंगे। तो आप भी अष्टमी नवमी के पूजन में अपनी माता के भोग के लिए इसी तरह से पूरियां बनाकर तैयार करें। ये लीजिए, हमारी अष्टमी नवमी की माता के भोग की थाली माँ को भोग लगाने के लिए तैयार है। तो आप भी अपनी माता के लिए इसी तरह से भोग लगाने के लिए थाली तैयार करें।